गाइस, अगर आप कभी लिफ्ट में चढ़े हैं तो आपने देखा होगा कि ज्यादातर लिफ्ट में शीशा लगा होता है, पर सवाल ये है कि शीशा आखिर लिफ्ट में लगाया क्यों जाता है। चलिए आज इसका रीजन मैं आपको बताता हूँ। शुरुआत में जब लिफ्ट में शीशा नहीं लगा होता था तो लोगों की ये शिकायत रहती थी कि लिफ्ट की स्पीड बहुत ज्यादा है और लिफ्ट की स्पीड को कम करना चाहिए। जब ये बात लिफ्ट के मेकर्स तक पहुंची तो उन्होंने ये जाना कि लोगों का दिमाग और ध्यान पूरा का पूरा लिफ्ट की स्पीड पर ही रहता है, जिसकी वजह से वो घबरा जाते हैं। अब उनके ध्यान को हटाना जरूरी था, इस वजह से लिफ्ट में शीशा लगाया गया ताकि लोग जब लिफ्ट में चढ़ें तो वो सिर्फ अपने आप को देखते रहें और उनका ध्यान कभी लिफ्ट की स्पीड पर जाए ही नहीं। गाइस, यही रीजन है लिफ्ट में शीशा लगाने का। क्या इसके पहले तक ये अमेजिंग फैक्ट आपको पता था? और अगर नहीं पता था तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। जापान काफी चीजों में दुनिया से अलग है और इसी तरह से वहां के स्टूडेंट्स का प्यार को इजहार करने का तरीका भी काफी अलग है। कैसे, चलिए जानते हैं। अगर वहां पर कोई मेल स्टूडेंट किसी लड़की को प्यार करता है और वो अगर अपने प्यार का इजहार करना चाहता है तो वो क्या करता है, वो अपने स्कूल के यूनिफॉर्म का ऊपर से सेकंड बटन निकालकर उस लड़की को देता है और इसी तरह से प्यार का इजहार करता है। पर सवाल ये है कि ऊपर से सेकंड बटन ही क्यों? क्योंकि ऊपर से सेकंड बटन हार्ट के करीब होता है। गाइस, कमाल का तरीका है ना ये। प्यार के इजहार के इस तरीके के बारे में आपका क्या ख्याल है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। चकाचौंध भरी दुनिया किसे पसंद नहीं होती, लेकिन सेलिब्रिटी बनना इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि पेपराजी यानी कि मीडिया वाले अपना कैमरा लेके आपकी फोटोज और वीडियोज की फुटेजेस के लिए आपके पीछे पड़े रहते हैं। एक हद तक तो ठीक है, लेकिन एक हद के बाद हद पार हो जाती है। तो जो सेलिब्रिटीज जिनको अपनी पर्सनल लाइफ में दखल अंदाजी पसंद नहीं है, उनके लिए 28 साल के एंटरप्रेन्योर ने एक एंटी पेपराजी स्कार्फ बनाया है। क्या खास बात है स्कार्फ की, जरा ध्यान से सुनेगा। इस स्कार्फ को पहनने के बाद अगर कोई फोटोग्राफर आपकी फ्लैश पिक्चर्स ले भी ले तो भी आप उसमें ब्लैंक आएंगे, यानी कि दिखेंगे ही नहीं। गाइस, आपको एंटी पेपराजी स्कार्फ का ये आइडिया कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में।